आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पिक्चर लिंक एंड पिक्चर लुकअप के बारे में। तो टॉपिक बहुत ही मजेदार है, इसे ध्यान से देखिएगा और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो जैसे हमने आपको लास्ट क्लासेस में बताया था कि कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, कॉपी में वैल्यू वगैरह और जो कैलकुलेशन वगैरह होता है वो सारी चीज हमने आपके साथ डिस्कस किया था। अब हम बात कर रहे हैं कि हम किसी भी सेल एरिया को हम उसको एज ए पिक्चर कैसे पेस्ट करें, एज ए पिक्चर लिंक कैसे पेस्ट करें और उसमें और क्या बेनिफिट है, क्या क्या चीजें हैं, ये चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसलिए ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इसमें फॉर्मूले वगैरह भी आएंगे तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। एक बार में समझ में नहीं आएगा, उसकी जब दो तीन बार प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा। साथ में आज की रिकॉर्डिंग में YouTube पे डाल दूंगा, तो YouTube पे आप IPT इंडिया को सर्च कीजिएगा, आपको वहां पे हमारी ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो जैसे कि ये एरिया है, अब इस एरिया को मैं कॉपी किया और यहाँ पे हम पेस्ट एज ए पिक्चर कर देते हैं। पेस्ट एज ए पिक्चर, हमने पेस्ट के नीचे किया पिक्चर, ये पिक्चर में कन्वर्ट हो गया। ऐसा क्यों करते हैं, क्या होता है जब हम लोग डैशबोर्ड रिपोर्ट इसे चीजें बनाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, जगह कम होता है, तो हम लोग इसको छोटा कर देंगे। क्योंकि इसको छोटा, अगर मान लीजिए डेटा को छोटा करेंगे तो कॉलम को छोटा करना पड़ेगा, हो सकता है इसके नीचे कोई बड़ा हेडिंग हो वो भी तो छोटा हो जाएगा। इसलिए हम डेटा को सेटिंग ना करते हैं, हम डेटा को कॉपी करके पेस्ट एज ए पिक्चर कर देते हैं। एक फायदा हुआ, दूसरा फायदा हुआ कि ये नॉट एडिटेबल होता है, इसमें आप किसी भी तरीके से एडिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पिक्चर बन गया, इस पर आप कोई एडिट नहीं कर सकते। लेकिन क्या है कि ये दोनों आपस में लिंक नहीं है। मान लीजिए मुझे कहीं रखना था कि ये डेटा चेंज होते रहता है तो बार बार हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि इसको सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करने के बाद यही पे पिक्चर लिंक होता है। पिक्चर लिंक क्या होता है कि आपके डेटा से लिंक होता है। यहाँ पे देखिए, जब पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे तो ऊपर फॉर्मूला आता है और जो भी आप चेंज करते हैं, जैसे मैंने 11 को 65 कर दिया, एंटर प्रेस करते आप यहाँ 65 देख सकते हैं। उसी तरह से अगर आपने कोई कलर चेंज कर दिया इसमें, जैसे मैंने कलर मान लीजिए इसको ग्रीन कर दिया, तो एंटर मारते यहाँ पे देखिए ग्रीन हो गया, तो ये चेंज हो जाता है। और ये सेम सीट अनदर फाइल कहीं भी इसको रख सकते हैं। दूसरी चीज आती है कि कलर के डेटे मान लीजिए कि इंक्रीज हुआ, एक नाम और एड हो गया, अब तो ये चीज इसमें इंक्लूड नहीं होगी, इंक्लूड हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। बस यहाँ पे देखिए ऊपर एड्रेस है ना, A1 से C11 एक रो चेंज हुआ है, जिसमें मैं 11 के जगह पे 12 कर दूं तो देखेंगे कि हमारा चेंज हो गया। तो आपको फॉर्मूला में जाके इंक्रीज कर अपना एड्रेस को इंक्रीज कर दीजिए, आपका पिक्चर भी इंक्लूड हो जाएगा। तो पंकज जी एंड मनोज जी, कोई डाउट इसमें? नो सर। पंकज जी चलिए, अब बात आती है कि इसको आप जो है अलग अलग सॉफ्टवेयर, जैसे कि पावरपॉइंट, मैं पावरपॉइंट ओपन करता हूं, एमएस वर्ड, या आउटलुक, ऐसे एप्लीकेशन पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए ये बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कि हमने ब्लैंक स्लाइड लिया हुआ है, अब मुझे इसमें अपने डेटा को इसमें रखना है और साथ में एक्सेल के साथ लिंक भी करना है कि जैसे ही वेबसाइट पे कुछ हम एंट्री करें तो अपने आप को चेंज कर ले। इसको कॉपी किए, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूं पेस्ट एज ए स्पेशल और इसमें पेस्ट एज ए लिंक और यहां देखिए एक्सेल वर्कबुक कोड आ रहा है, कोड ऑब्जेक्ट कर दीजिए। उसी तरीके से एमएस वर्ड में है आप, एमएस वर्ड में भी सेम मेथड अपनाएंगे आप, पेस्ट स्पेशल पेस्ट एज ए लिंक और इसमें अलग अलग फॉर्मेट है,
तो कोई भी फॉर्मेट चूज कर HTML या फिर आप चेंज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑब्जेक्ट। अब मैं अपने एक्सेल पे आके कोई चेंज कुछ चेंज करता हूँ, ये सत्रह था ना, ये 17 को मैं मान लीजिए 105 पे एंटर मारता हूँ। अब देखिए पावर पॉइंट में 105 चेंज, यहां पे भी चेंज हो गया, लेकिन आउटलुक में इसका थोड़ा सा अलग यूज होता है, तो मेरा आउटलुक अभी कॉन्फ़िगर नहीं है। एक मिनट मैं इसको कॉन्फ़िगर कर लेता हूं। वैसे मैंने विंडो चेंज किया था ना, तो इसे नया ऑफिस डालना पड़ा ना, 2 मिनट लगेंगे आउटलुक अपडेट होने में। आउटलुक का एक अच्छा खासा रोल है, तो इसको बता देता हूँ आखिर है क्या है। क्या है कि हमारे पास ऑफिस में 25 तारीख के बाद हमें सेल्स रिपोर्ट सेल्स अपडेट भेजना होता था, वो भी दिन में 10 बार 15 बार ऐसे भेजना होता था सर, ठीक है। तो हर बार क्या होता था, हमारा पिवट टेबल लिंक होता था, तो हर घंटे मुझे मेल करना पड़ता था, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, मैं इसलिए इसको कंफ्यूज कर रहा था, कंफ्यूज हो रहा था, मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ मेल टेम्पलेट का। तो क्या होता था कि हमारा एक समरी शीट को कॉपी करके मेल बॉडी पे पेस्ट करके हमें मेल करना होता था हर एक घंटे बाद। तो उसमें हर बार मुझे क्या करना होता था कि अपने समरी को अपडेट करके फिर उसको कॉपी करके वैल्यू पेस्ट करना होता था, तो मुझे हर बार करना पड़ता था। तो हम क्या करते थे, उसका सेव एज करके उसका टेम्पलेट बना देते थे और पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक कर देते थे। ऐसा करने से क्या होता था कि जैसे उसको नेक्स्ट टाइम मेल करना होता था, जैसे क्लिक करते थे और फिर वो मेल हो जाता था। लग रहा है इससे प्रॉब्लम है, मुझे एक बार चेक करना होगा पॉक्सिली को। तो ऐसा कर देते। दूसरा आता है पिक्चर लुक। अच्छा वी लुकअप किस किसमें को आता है मनोज जी, वीलू का आता है आपको? हाँ जी। तो वीलू का में क्या है कि हम लोग डेटा लुकअप करते थे क्या? हाँ जी। लेकिन अगर कोई पिक्चर लुकअप करना हुआ तो जैसे तो कि वीलू का पिक्चर को लुकअप करना हो, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक महीना है या कुछ डेटा है, एक मंथ वाइज है, तो दूसरा हमारे पास सेल्स ऑफिसर्स वाइज है पहला, और दूसरा है हमारे पास सेल्स ऑफिसर वाइज, ठीक है। दो समरी है मान लीजिए,
अब मुझे अब इसको सेलेक्ट करता हूं, मैं इसको कलर कर देता हूं, और इस पे आप चाहो तो विजुलाइजेशन के लिए मैं चार्ट भी इस्तेमाल कर लेता हूं। इंसर्ट चार्ट, ठीक है सर। और यहां पे हम सेल्स ऑफिसर का भी कलर डिफरेंट कर देते हैं, और इसको भी इंसर्ट चार्ट लगा देते हैं, और इसको भी थोड़ा छोटा कर देते हैं। बस इसका कलर मैं हटा देता हूँ, इसका कलर जो है डिफरेंस दिखे इसलिए मैं इसका कलर ग्रीन कर देता हूँ। अब क्या है कि मेरे पास एक समरी सीट है, समरी सीट में मैं यहां पे लिखूं अगर मंथ, मुझे मंथ वाइज रिपोर्ट चाहिए तो मेरा रिपोर्ट मंथ वाइज आना चाहिए। अगर मैं सिलेक्ट करूं एसओ वाइज लिखूं तो एसओ वाइज, यदि यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हम लोग डेटा में जाते हैं, डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल करते हैं, और इसको लिस्ट, और इसमें मंथ, और इसमें इसमें करते हैं एसओ। तो यहां पर अगर मंथ सिलेक्ट किया तो मेरा मंथ वाइज आए, एसओ सिलेक्ट किया तो सेल्स ऑफिसर वाइज आए। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि सबसे पहले हमने इसको सिलेक्ट किया, और एक मिनट में पेज लेआउट में जाके मैं इसकी गिरलाइन को चेक कर देता हूं, और इसका नाम, इसका ये देखिए इस एरिया का भी नाम है A1 से लेके H6 तक एड्रेस है। तो फॉर्मूला बार में हमारे पास होता है डिफाइंड नेम, शायद पता होगा, इसको जो है आप अपना नाम दे सकते हो। तो इसको मैंने मंथ दे दिया, अब इस पूरे एरिया को सिस्टम मंथ के नाम से जानता है। फिर मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको मैंने दे दिया डिफाइन नेम में एसओ, अब इसको सिस्टम एसओ के नाम से जानता है। मतलब कि अगर मैं इसको कॉपी करूं, कॉपी करने के बाद अगर मैं यहां समरी पे जाऊं और मैं यहां पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक कर देता हूं ताकि जिससे लिंक हो जाए। अब लिंक में ऊपर देखिए क्या है लिखा हुआ, एड्रेस पूरा लिखा हुआ। तो एड्रेस के जगह पे मैं इसको डिलीट करके एसओ लिख दूं तो भी एसओ का रिपोर्ट आ जाएगा, अगर मैं मंथ लिख दूं तो मंथ का रिपोर्ट, सॉरी मंथ लिख दूं तो मंथ का रिपोर्ट आ जाएगा। इतना समझ में आया पंकज जी एंड संजय? ये समझ में आ गया ना सर? ओके हाँ जी आ गया। दोनों का मैं अलग अलग नाम दे दिया और एक को कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक किया। अब इसमें क्या है कि अगर मैं ऊपर नाम चेंज करता हूं तो मैं चेंज होता है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि मुझे चेंज करना है इसको यहाँ पे। मैं चाहता हूं कि जो मंथ है वो मंथ यहाँ पे, ये यहाँ पे जाके फिट करे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो मंथ है इसको कंप्यूटर मंथ एज ए टेक्स्ट समझता है, मंथ मतलब कि ये डेटा रेंज नहीं समझता है। मतलब कि अगर मैं इक्वल सम फॉर्मूला दूं और उसमें मंथ लिख दिया तो ये मंथ का सम आ गया, ये मंथ कौन सा मंथ ले लिया, ये मंथ ये ले लिया। लेकिन इसी चीज को अगर मैं इक्वल इक्वल सम लिखूं, या ध्यान दीजिएगा सम और इन्वर्टेड कॉमा में मंथ लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, मंथ टेक्स्ट, या फिर सम में हम यहां इसको सेलेक्ट कर दें तो उसको टैग समझेगा, उसको सम नहीं समझेगा, अरे मंथ नहीं समझेगा।
तो अब मुझे बताना है कि इस A3 पे जो मंथ या इसको लिखा हुआ है वो एक्चुअली में एक एरिया का नाम है जो कि यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक थर्ड फॉर्मूला जो कि इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट यूज करते हैं, इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट क्या करेगा, इनडायरेक्ट ये होगा कि इनडायरेक्ट यूज होगा, बताएगा कि हाँ ये मंथ जो है मंथ नहीं है। आप इसको अगर फॉर्मूला वार में जाके एवलेट करें तो पता चलेगा कि A3 के जो मंथ मिला वो किसमें मिला, इनवर्टेड कॉमा में मिला, जो कि इससे पहले मैंने लगा के बताया था आपको उसमें मिला। बट इनडायरेक्ट क्या किया, उसको कन्वर्ट कर दिया किसने, रेफरेंस। और सम इसका सम कर दिया। तो सेम यही प्रॉब्लम यहाँ पर है कि आप यहाँ पे डायरेक्ट में अगर इसको सिलेक्ट कर देता हूं तो दिक्कत है, क्योंकि इस पे जो मंथ लिखा हुआ है इसको कभी नहीं समझेगा कि मंथ है, वो समझेगा कि इसी को देना हो, इसी को शो कर देगा। तो मैं चाहता हूं कि इसमें हम इनडायरेक्ट फॉर्मूला के साथ इसको दें तो बात बन सकती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो ये पिक्चर लिंक है वो अपने अंदर से सेल एड्रेस या डिफाइन नेम लेता है और किसी भी तरह का फॉर्मूला एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफाइन नेम में जाएंगे, हमें SH नाम का या शो नाम का एक ले लिया हमने, और उसपे मैं यहाँ पे क्योंकि नेम मैनेजर में नेम डिफाइन नेम में मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, यहाँ पे लिया इन डायरेक्ट और यहाँ पे हमने सेलेक्ट लिया मंथ। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि मैं इक्वल SH कर दू, शो कर दू, तो ए इसका लिंक कर लिया, समझे, रिजल्ट आ गया। अब मैं यहां चेंज करता हूं तो उसका भी चेंज हो जाएगा, मतलब ये हुआ कि ए शो जो है वो इसी को कन्वर्ट कर देता है। तो मैं यहां जहां पे मैंने मंथ लिखा है उसके जगह पे शो लिख सकता हूं ताकि वो कनेक्टेड हो जाए A3 से। अब मैं A3 की वैल्यू चेंज करूंगा तो चेंज हो जाएगा। अगर सिंपल में मैं समझाऊं मैं आपको, तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों का अलग अलग नाम डिफाइन किया, फिर हमने उस नाम की यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाई किसके जरिए, डेटा वैल्यूएशन के जरिए। फिर हमने क्या किया, एक और डिफाइन नेम लिया, उसपे मैंने इनडायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे शो के नाम से, उसमें इनडायरेक्ट फॉर्मूला मैंने इसका रेफरेंस दे दिया ताकि कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, और रिजल्ट आपके सामने है। जैसे यहाँ पे चेंज होता है एस वो अपना रिजल्ट चेंज करता है और यहाँ भी आपका रिजल्ट चेंज हो जाता है। क्या बोल रहे हैं, दोबारा रिपीट कर दीजिए। हाँ, तो वही तो पूछ रहा हूँ कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस चीज में प्रॉब्लम है। देखिए पहले हमने दो या दो से अधिक डेटाबेस डेटा बनाएंगे जिसको आपको प्रेजेंट करना है। ठीक है, दोनों का नाम हम देंगे, दोनों के एरिया को सिलेक्ट करके हम नेम डिफाइन करेंगे, कहाँ से, फॉर्मूला बार के डिफाइन नेम से। क्लियर है, दो या दो से अधिक हो जो भी हो वो करेंगे। उसके बाद जहां हमें शो करना है वहां पे जाएंगे, उस कर्सर पे कर्सर रखेंगे और डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और डेटा वैलिडेशन में लिस्ट के अंदर में वो लिस्ट कर देंगे। यहाँ पे दो है, हो सकता है उससे ज्यादा हो, तो यहाँ पे कॉमा कॉमा करके वो आप वो लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन बन के आ जाएगा, आ गया। अब मैं किसी एक डेटा को सिलेक्ट करके कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद यहां पे करूंगा पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक, यहां से ड्रॉप डाउन से पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक। पिक्चर लिंक में मैं एक बार क्या, पिक्चर लिंक में एक बार क्या करूंगा, यहाँ पे डिफाइन, यहाँ पे एड्रेस होगा, उसमें एक बार नेम डाल के देख लूंगा कि हमारा रिजल्ट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, वापस फॉर्मूला बार में जाऊंगा, डिफाइन नेम पे जाऊंगा और एक एसओ के नाम से, सॉरी एसओ नहीं, सो के नाम से
ये बनाऊंगा, डिफाइन नेम बनाऊंगा और उसमें मैं फॉर्मूला लगाऊंगा इनडायरेक्ट, और जो हमारा ड्रॉप डाउन है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो पिक्चर है, जो लिंक पिक्चर है, उस पर क्लिक करूंगा और जहां पे मैन्युअली जो हमने मंथ सो जो भी हमारे पास ड्रॉप डाउन था वो डाले थे, उसके जगह पे हम सो डाल देंगे जिसमें हमने इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लगाया। तो ए क्या कर रहा है, इस ए ए जो है एसओ क्या है कि इसको और इसके बीच में एक कनेक्टर के ऊपर काम कर रहा है, कनेक्टर के जैसा काम कर रहा है। क्लियर है सर? सो तो एक हेडर हेडिंग हो गई, मतलब मेन काम ये डेटा वाले उसे कर रहा है। हाँ हाँ, सो का काम क्या है कि बस इतना बताना कि यहाँ पे लिखा हुआ टेक्स्ट वो एक रेफरेंस का नेम है बस। डाउट इसमें और? नो सर। ओके, तो यहाँ पे एक चीज और है, इसमें और भी एक मेथड है, जैसे कि एक स्कूल का अगर डेटाबेस आप बना रहे हैं, जैसे कि पंकज जी आप कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं ना, हाँ सर, मान लीजिए कि आपको अपना स्टूडेंट डेटाबेस बनाना है, तो स्टूडेंट डेटाबेस आप बना लेंगे। अब उस स्टूडेंट डेटाबेस पे हम आपको क्या करना है कि आपको करना है कि एक फॉर्म बनाना है जहां पे आप स्टूडेंट का रोल नंबर लिखें। तो रोल नंबर लिखते ही उसका पूरा डिटेल आ जाए, वो तो आप वी लुकअप से कर लेंगे। कर लेंगे ना सर, वो तो वी लुकअप से कॉलम या रो यूज हो जाएगा ना सर। मैं आपको ये समझा रहा हूँ, सुनिए मत समझिए, कि आपके आपने एक डेटाबेस बनाया, हेलो, यहाँ पे आपके स्टूडेंट का डेटा है पूरा, जिसमें रोल नंबर बाय जिसे एडमिशन लेते समय जो फॉर्म भरते हैं ना, एडमिशन के समय आप कोई फॉर्म भरवाते हैं ना सर, तो फॉर्म का पूरा डिटेल डल गई। अब मान लीजिए कि 6 महीने बाद एक बंदा आके बोला कि सर मेरा कोई ड्यूज है बता दो, है? या फिर कोई आके पूछता है कि यार वो एडमिशन कब लिया था, कौन सा कोर्स का लिया था बताना, तो उसकी डिटेल जाननी है आपको, तो आप कंट्रोल एफ करके ढूंढने के बजाय आप एक फॉर्म टाइप का बना लोगे जहां पे आप रोल नंबर रखोगे और उस रोल नंबर रख के एंटर मारोगे तो पूरी डिटेल आ जाएगी ना सर। उसके लिए आप वी लुकअप का भी इस्तेमाल कर लेंगे, रोल नंबर के बिहाफ पे पूरा डिटेल निकाल कर दे देगा एक फॉर्म बे में। जैसे आप लोग रिजल्ट वगैरह चेक करते तो रोल नंबर डाल के, रोल नंबर डालते आपका रिजल्ट नहीं आता है, तो वी लुकअप मेथड होता है ना वो। लेकिन वी लुकअप में पिक्चर तो नहीं आएगा सर, तो पिक्चर के लिए आप इसी मेथड को यूज कर सकते हैं, और इसके बारे में डिटेल में मैंने इस वीडियो में समझा रखा है जो वीडियो में आपको भेज रहा हूं, ठीक है। तो ये वीडियो लिंक मैं आपको भेज रहा हूं, इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन अकॉर्डिंग दिखाया ना, इसमें ये तो एग्जांपल है ही, इसके साथ एक और एग्जांपल है कि आप रोल नंबर के अकॉर्डिंग पिक्चर सेल के अंदर में रखें, इस सेल के अंदर में पिक्चर को रखें और रोल नंबर से इसको लुकअप करें, इसका मेथड समझाया हुआ है। तो अगर आप इस चीज को समझ गए हैं तो वो मेथड भी आप समझ जाएंगे, इसलिए आपको मैंने वीडियो भेजा है, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट बैच का टाइम हो गया है तो क्लास पे यहीं पे खत्म करते हैं, कल हम 5 बजे, आप लोग प्लीज 5 बजे ज्वाइन कर लीजिएगा, 5 बजे स्टार्ट करेंगे और कल हम बात करेंगे फॉर्मेटिंग ट्रिक्स। लेकिन अभी आपको कुछ नहीं करना है, अभी आपको ऐसा नहीं कि फिनिश कर देना है क्लास, अभी जो मैंने आपको 27 मिनट की वीडियो भेजी है उसको देख लीजिए प्लीज, और जो डाउट होंगे क्वेश्चन होंगे उसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम कल की क्लास में उसकी उसकी जो डाउट प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दूंगा। सर सर, हाँ, मैं आपको अपने फाइल दिखाना चाह रहा हूँ, देखो इस तरह की है कि आपका पिक्चर लुकअप। आप क्या बोल रहे हैं सर?
कर सकते हैं, मेल कर दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है तो रिकॉर्डिंग में भी चला जाएगा, यूट्यूब पे भी चला जाएगा सर। ठीक है, मेल कर दे सही रहेगा, पब्लिकली शेयर करना डेटा अच्छी बात नहीं है।